डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसके कारण? इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। ये डेरिवेशन स्टैंडर्ड माना जाता है क्योंकि इसमें कंसेप्ट थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ता है, क्योंकि यह जो है जनरल पॉइंट पे है। इससे पहले ऑलरेडी हम एक्सियल लाइन पे और परपेंडिकुलर, एक्सियल लाइन पे परपेंडिकुलर जिसको परपेंडिकुलर बायसेक्टर कहते थे या फिर इक्विटोरियल पॉइंट कहते थे, इस पे निकाल चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। वैसे हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए ना आपको कंपोनेंट निकालना आना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन कि डिराइव इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या निकालना आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण ऑन द जनरल पॉइंट बोल दे या तो बोल दे क्या चाहिए एनी पॉइंट, दोनों बात आपका क्या है सेम है। ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जब दे देता है क्वेश्चन तो थोड़ा स्टैंडर्ड बन जाता है और ये जनरली बच्चा छोड़ देता है। हम चाहते हैं आप सीखें, सीखें कंसेप्चुअली। ये जो सारे जितने जीवनी है वो आपको लिखने आ गया होगा क्योंकि ऑलरेडी आप दो डेरिवेशन सीख चुके हैं, ये आपको लिखने में दिक्कत नहीं है। मेन है क्या चीज, डायग्राम को समझना, डायग्राम में क्या टर्मिनोलॉजी यूज हुआ है वही चीज तो इधर लिखते हैं डायग्राम में, बोले हम लोग यहाँ लिखते हैं जितने सारे टर्मिनोलॉजी। तो हम लोग क्या प्रयास करने वाले हैं कि यहाँ सबसे पहले डायग्राम अच्छे समझते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा ये चीजें कि अगर आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है, क्या आपका इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक, इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए हम लोग को जो चाहिए था दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को क्या करते थे सेपरेट कर देते थे कुछ डिस्टेंस से, वो इलेक्ट्रिक डायपोल बन जाता था, ठीक है। आपको पता है किसका डायरेक्शन कहां होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो इसका जो ये एक्सिस पर है, अगर इस लाइन के अलोंग द लाइन रे, इसके जो डायरेक्शन है उसके अगर अलोंग द लाइन रे, वो क्या कहलाता था आपका एक्सियल, और इसका जो परपेंडिकुलर रहता था इसको क्या रहता था परपेंडिकुलर, और वो क्या कहलाता था आपका, ये कहलाता था इक्विटोरियल, ठीक है। अगर आप ऐसे समझना चाहेंगे कि इधर अगर x है और इधर y है, तो जो x पे होता था सेंटर पॉइंट से जो होता था x तरफ इधर जो जाता था डायरेक्शन में, वो तुम्हारा क्या हो जाता था एक्सियल लाइन हो जाता था। अगर इस पे कहीं पॉइंट रख दें तो एक्सियल पॉइंट, और ये जो परपेंडिकुलर है मतलब ये कि जो y एक्सिस तरफ है वो आपका क्या कहलाता था, कहलाता था इक्विटोरियल ब्रॉड ऑन साइड और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये तीनों टर्म। अगर ये सारे पॉइंट पे अगर आपको निकालने बोले मतलब वाई एक्स पे छोड़कर कहीं भी, तो सारे आपके क्या कहलाएंगे जनरल पॉइंट या एनी पॉइंट पे हम लोग निकाल रहे हैं। देखिए ये जो हम लोग ये निकाल रहे हैं ये पोलर कोऑर्डिनेट है, पोलर कोऑर्डिनेट में आपको पता होगा ये आर और क्या होता है आपका थीटा होता है, ठीक। तो हम लोग आर और थीटा से पूरी दुनिया घूम सकते हैं, लेकिन यहां समझते हैं, यहां देखिए तो आपको ये समझ में आए कि डायरेक्शन जो है कहां से नेगेटिव से पॉजिटिव के लिए, परपेंडिकुलर मतलब ये कि वाई तरफ जो होता है कहां से सेंटर से, डायपोल के सेंटर से, तो उस लाइन को हम लोग इक्विटोरियल कहते थे ये, और ये तो निकाल चुके हैं। अब एक जनरल पॉइंट मान लेते हैं, यहां लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब इस जनरल पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं आर दूरी लेते हैं कहां से सेंटर से, सेंटर से कितना दूरी पे आर दूरी पे, और इस पॉइंट को हम लोग क्या मान लेते हैं सी है, जहां हम लोग क्या रख दिए टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज ही ना बताएगा कि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कितना है, चेक करेंगे ना उसका, ये टेस्टर है, ये किसको टेस्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। तो नेगेटिव यहां क्या हो गया आपका, ये इधर डायरेक्शन होगी किसका पी का, इलेक्ट्रिक डायपोल पी को हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक। कितना एंगल पे लिए हम लोग थीटा, थीटा एंगल पे लिए, कितना एंगल आपका थीटा, थीटा कहां से दिख रहा है आपको, ये है एंगल कहां फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल के डायरेक्शन से हम लोग थीटा लिए हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब ये हम लोग सी पॉइंट पे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक। देखिए तो इसमें हम लोग कंपोनेंट मेथड लगाने जा रहे हैं, इसमें दो मेथड है, एक मेथड बहुत लंबा बनता है लेंदी बनता है, इसमें सिर्फ आप कंपोनेंट निकाल लिए उसके बाद आपका आसान हो गया, ठीक है। देखिए तो कंपोनेंट निकालते हैं, तो इसको जो है आपका ये वाला, ठीक है, सी, ये जो सी है इसको हम लोग मान लेते क्या आपका एक्सियल मान लेते, क्या मान लेते हैं एक्सियल, क्या मान लेते हैं हम लोग एक्सियल, और जो ये लाइन है आपका जो डायपोल है कौन है आपका डायपोल, ये है, ये डायपोल है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस पी को तोड़ देते हैं अलोंग द एक्सियल, ये एक्सिस पे टूट जाएगा और ये फिर क्या हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर, नहीं समझ गए।
तो अगर जब इसको इधर तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, पी कोस थीटा, और इधर जब इसको लाएंगे तो क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा। ये डायरेक्शन इधर क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल का इधर है पी की तरफ, इसीलिए इसका डायरेक्शन हम लोग क्या दिए, इधर दिए, पी का डायरेक्शन इधर है ना, तो इसको हम लोग कंपोनेंट में तोड़े, किधर तोड़े, इधर, इधर तोड़ दिए इधर। इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिए ऐसे, अब यहां थोड़ा फील होगा कि अगर आपका ऐसे रहता था, क्या रहता था यहां, ये वाई है, ये क्या है, एक्स है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहां थीटा रहता था, ठीक है, और यहां पी रहता था, ध्यान दीजिएगा, तो इस पी को हम लोग तोड़ते थे इधर, इस पी को इधर तोड़ते थे एक्स तरफ, तो क्या होता था, पी कोस थीटा, क्योंकि जिधर एंगल रहता उसके नजदीक वाला क्या होता, कोस थीटा होता, और इसके जो दूर है इधर वाई तरफ, तो क्या हो जाता था, वाई तरफ पी साइन थीटा, यही होता था ना। लेकिन हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि एक्स वाला को तोड़ रहे, ध्यान दीजिएगा बात को, हम लोग अगर इसका नाम वो से सी दे तो अभी वो सी को तोड़े, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं ना, हम लोग वो एक्स को तोड़ रहे, मतलब एक्स एक्सिस वाला, मतलब पी को, जब इसको पी को तोड़ दिए, किसमें हम लोग रिजोल्व कर दिए, इधर पी कोस थीटा, इधर पी साइन थीटा, इधर पी कोस थीटा, इधर पी साइन थीटा, ठीक है। तो पी कोस थीटा ऊपर क्यों गया, क्योंकि थीटा सामने वाला ये। तो अब इलेक्ट्रिक डायपोल का काम क्या हो गया, खत्म हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, तो आपका अगर यहां वो है, यहां क्या आपका वो है, और ये क्या आपका सी है, ये आपका क्या बोलिए सी है, तो ओसी जो बन जाएगा, ओसी जो बन जाएगा वो एक्सियल बन जाएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल के क्या बन जाएगा, एक्सियल। और आपको पता होगा कि एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना आया था, 2kp/r³, एक्सिस पे इतना ना आया था। अगर ये डायपोल था, ये क्या था आपका डायपोल था, तो इसके एक्सियल पे हम लोग इस पॉइंट पे निकाले थे, सी पॉइंट पे, वो क्या आया था आपका 2kp/r³ आया था, यही आया था ना। और इसका जो परपेंडिकुलर था, इसको जो क्या था परपेंडिकुलर था, वो इस पे क्या आया था आपका kp/r³, जो इक्विटोरियल हम लोग माने थे। इसका मतलब क्या है कि इससे दो कम था, मतलब एक्सेल पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता था, किसके कंपेयर में, इक्विटोरियल के कंपेरिजन में, ये चीज है। तो ध्यान से देखेंगे तो आपका जो पी कोस थीटा है, पी कोस थीटा क्या हो गया, एक्सेल पे हो गया, किसके एक्सिस पे, वो सी, और इधर अगर हम नाम दे देते हैं एम, तो वो एम जो है परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, ओसी के। तो ओसी जो है आपका एक्सिस का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, एक्सिस का। तो यहां जो अगर आपका जो पी है वो क्या हो जाएगा, पी कोस थीटा, और यहां जो आपका पी है ये क्या हो जाएगा, इधर परपेंडिकुलर में पी साइन थीटा। नहीं समझ, चलिए एक बार फिर से आपको हम बताते हैं, क्लियर कीजिए थोड़ा, ठीक है। पहले क्या था कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल लिया, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव, हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग जनरल पॉइंट, और वो जनरल पॉइंट क्या है, सी है, जहां हम लोग क्या कर रहे हैं, टेस्ट चार्ज को रखे हैं और वहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, ठीक। तो हम लोग क्या किए कि इस जनरल पॉइंट जो था आपका सी, तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल को हम लोग रिजोल्व कर दिए, कंपोनेंट ले लिए। तो ये जब कंपोनेंट लिए तो एक जो आपका है ओसी की तरफ चल गया, दूसरा किधर आ गया, वो एम की तरफ। तो जो वो एम है, वो एम है और ओसी है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, परपेंडिकुलर ही होता है क्योंकि एक्स वाई में आप देखे होंगे, तो ये चीजें हैं। तो ओसी जो काम करेगा यहां एक्सिस पे काम करेगा, ये क्या हो जाएगा आपका एक्सियल लाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका एक्सियल, और आपका जो वो एम है वो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, किसका परपेंडिकुलर, ओसी का, क्यों, क्योंकि ओसी को हम लोग क्या मान लिए हैं, आपका मान लिया है एक्सियल लाइन, और सी क्या हो गया आपका एक्सियल पॉइंट, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि एक्सियल लाइन पे क्या आया था, 2kp/r³, तो पी है और यहां क्या बन गया, पी कोस थीटा, तो यहां क्या सिर्फ हो जाएगा पी कोस थीटा, और आपका ई क्यू है, ये आपका क्या है परपेंडिकुलर, तो ये इधर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर में पी साइन थीटा, ठीक है। अगर फिर भी आपको कहीं भी थोड़ा सा दिक्कत है तो आप क्या करें, थोड़ा वीडियो को फिर पीछे करें, फिर से देखें, क्योंकि ये डायग्राम समझ जाइए, कंसेप्ट बना लीजिए, उसके बाद ये सारा चीज आपको लिखना क्या हो जाएगा, आराम हो जाए क्या, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए हम इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, ठीक है। तो ये बात तो समझ में आ गया कि एक्सियल पे होता था मेरा 2kp/r³ होता था, और परपेंडिकुलर क्या होता था kp/r³। तो ये सारा जीवनी इसका हम लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए जीवनी में क्या क्या लिखा रहा हूं कि लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल को पी कंसीडर कर लिया, आर और थीटा, आर क्या आपका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सेंटर ऑफ किसका, इलेक्ट्रिक डायपोल का, कहां तक, सी तक, ठीक है। सी पे क्या रखा है, टेस्ट चार्ज, और सी क्या है आपका जनरल पॉइंट, और थीटा क्या है, एंगल है, थीटा जो अगर आप लिखना चाहेंगे, थीटा क्या है, एंगल है, थीटा एंगल कहां से, फ्रॉम द डायरेक्शन, फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ किसके डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रिक डायपोल के डायरेक्शन में, फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ
इलेक्ट्रिक डायपोल, आप पूरा लिख लीजिएगा, ईडी से इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज, ये किसे आपका एंटी क्लॉक, घड़ी के ये डायरेक्शन होता है और इसके क्या है अपोजिट में है, तो एंटी क्लॉकवाइज नहीं है थीटा को, ठीक है। ईए, ईए क्या होता है आपका, होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको पूरा लिखिएगा डेरिवेशन में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सेल पॉइंट, आप पढ़े होंगे कि ईए क्या है आपका 2kp r³ आया था, और यहाँ p है जो आपका एक्सेल पे क्या बन गया आपका p cos थीटा, ये क्या बन जाएगा p cos थीटा। उसके बाद देखिए EQ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द किस पे, इक्विटोरियल पॉइंट पे, इक्विटोरियल पॉइंट पे आपको याद होगा कि इससे यहाँ 2kp था, यहाँ क्या हो गया सिर्फ kp r³, यहाँ p है तो इक्विटोरियल लाइन कौन बन गया आपका वो m, तो यहाँ p नहीं, क्या आएगा p sin थीटा, बस ठीक हो गया। अब हम लोग जनरल पॉइंट पे निकाल रहे हैं, किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं जनरल पॉइंट पे, तो E जो नेट होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन क्या जनरल पॉइंट C, तो E आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वेक्टर क्वांटिटी, तो रखें आपको E वेक्टर में जोड़ दिया, चूंकि E जो है आपका मैग्नीट्यूड लेंगे तो मैग्नीट्यूड वाला आपको फॉर्मूला याद होगा, ठीक है, एक फॉर्मूला याद होगा कि रिजल्टेंट हम लोग कैसे निकालते थे, a² + b² + 2ab cos थीटा, ये निकालते थे, ये आपका क्या है ईए है, बी क्या आपका ई क्यों है इक्विटोरियल पे +2ab cos थीटा, थीटा यहाँ कितना होगा, थीटा आपको यहाँ कितना होगा 90 डिग्री, आपका जो इसको रिजोल्व किया है क्या होगा 90 डिग्री, कैसे देख लीजिए कि आपका ये क्या हो गया, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ठीक है, ये हो गया, तो ये एक्सियल लाइन है, ये परपेंडिकुलर है, तो दोनों के बीच का थीटा कितना होता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री कोस 90 डिग्री वैल्यू क्या होता है 0, तो कोस 90 डिग्री वैल्यू क्या किया 0, अगर यहाँ 0 रखेंगे सब क्या हो गया 0 हो जाएगा, तो आपका सिर्फ क्या बचेगा e² + aq, ये बचेगा, ठीक है। अब ea हमको पता है, ea क्या है आपका 2kp r³ cos थीटा, यहाँ रख देंगे, ea आपका रख देंगे, ठीक है। देखिए तब यहाँ क्या लिखे हम लोग, along the axis क्या बन गया आपका oc p cos थीटा, तो e = 2kp, अब यहाँ पहले p होता था, अब यहाँ क्या लिखाएगा cos थीटा, क्यों, क्योंकि जो माइनस क्यू प्लस क्यू जो डायपोल था इसको हम लोग ऑलरेडी तोड़ चुके हैं, इसको हम लोग क्या कर दिए हैं तोड़ दिए हैं, किसमें तोड़ दिए हम लोग इसको रिजोल्व करके ओसी और वो एम में कर दिए हैं, ठीक है। तो अलोंग द क्या हो जाएगा इक्विटोरियल पी साइन थीटा, तो यहाँ केपी आर क्यूब होता था, अब क्या हो जाएगा केपी साइन थीटा हो जाएगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गया आपका, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, तो इसको जो उठा के यहाँ रख देंगे, इसको उठा के यहाँ सिंपल रख देंगे, तो इसको जब उठा के यहाँ रखे तो क्या हो गया 2kp cos थीटा / r³, ये जो था यहाँ रखेंगे तो ये लिखाएगा, अब इसको उठा के यहाँ रखेंगे तो ये लिखाएगा kp sin थीटा r³। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा आपको कि kp r³ कॉमन है, kp by r³ क्या है कॉमन है, तो ये स्क्वायर में है तो बाहर निकलेगा सीधा क्या हो जाएगा कि रूट से बाहर निकलेगा, तो सिंपली बाहर आ जाएगा ये, क्योंकि 2 जो है स्क्वायर वाला वो इसको रूट को क्या करेगा कैंसिल कर देगा, तो आपको सिंपली क्या बाहर होगा kp by r³। यहाँ क्या 2cos थीटा, तो 2cos थीटा बचे गए, ठीक है, तो यहाँ आप चाहेंगे तो एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं देखिए, ई ये kp by r³ √, जब kp r³ बाहर हो गया, kp r³ बाहर हो गया, यहाँ क्या बचा 2cos थीटा बच गया, यहाँ क्या बच गया 2cos थीटा² + यहाँ क्या बचेगा सिर्फ sin थीटा, यहाँ क्या लगेगा आपका sin थीटा² 2cos थीटा का 4cos² + sin² अब 4cos² को हम लोग क्यों ना तोड़ दें, इसको किसमें तोड़ दिया हम लोग 3cos² + cos² क्यों तोड़े, क्योंकि cos² + sin² क्या होता है आपका 1 होता है, अगर 1 होता है तो आपको अच्छे से चीज को समझ में आ जाना चाहिए कि आप कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ क्या लिखेंगे cos θ + sin² क्या लिखेंगे हम लोग 1 लिखेंगे। अब ये सारी चीजें हैं, यही आपको क्या है डेरिवेशन है जो आपको चाहिए था, क्या चाहिए था आपको डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन जनरल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकल गया आपका जनरल पॉइंट, ठीक है, चीजें समझ में आ गया होगा, आप इसको क्या करें अच्छे से नोट करें, ठीक है।